दोस्तों 20 जनवरी से लेजेंड्स लीग क्रिकेट की शुरुआत होने वाली है। इस लीग में सिर्फ 3 टीमें ही खेलेंगी और इन 3 टीमों में से जो 2 टीमें सबसे बेहतर खेलेंगी उनके बीच फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। और हम आपको इस वीडियो में उन 3 टीमों के सभी खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे कि आखिर रिटायर्ड हो चुके आपके फेवरेट क्रिकेटर्स किस टीम की तरफ से खेलेंगे। इस टूर्नामेंट में इंडियन खिलाड़ियों की एक टीम होगी जिसका नाम इंडिया महाराजास होगा। दूसरी टीम का नाम एशिया लॉयंस होगा जिसमें इंडिया को छोड़कर एशिया कॉन्टिनेंट के कई खिलाड़ी होंगे। और वहीं तीसरी टीम का नाम वर्ल्ड जायंट्स होगा जिसमें आपको ब्रेटली और केविन पीटरसन जैसे खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं इंडिया महाराजास टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, बद्रीनाथ, आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा, नमन ओझा, मनप्रीत घोनी, हेमंत बदानी, वेणुगोपाल राव, मुनाफ पटेल, संजय बांगर, नयन मुंगिया और अमित भंडारी। टीम इंडिया के ये सभी खिलाड़ी किन धुरंधरों से भिड़ने वाले हैं? जरा ये भी देखिए, एशियन लॉयंस में खेलेंगे पाकिस्तान के शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल, अजहर महमूद, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, मोहम्मद यूसुफ और तेज गेंदबाज उमर गुल। इनके अलावा श्रीलंका के भी कई शानदार खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं, जैसे कि सनत जयसूर्या, मुथैया मुरलीधरन, चमिंडा वास, रमेश कालूवेतरना, तिलक रत्ने दिलशान और उपुल थरंगा। और इन सब के अलावा अफगानिस्तान के असगर अफगान भी एशिया लॉयंस टीम का हिस्सा हैं। और अंत में जरा देखिए वर्ल्ड जायंट्स की टीम में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ी खेलेंगे। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डेरन सामी, न्यूजीलैंड के स्पिनर डेनियल विटोरी और आक्रामक बल्लेबाज कोरी एंडरसन, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेटली और विकेट कीपर बल्लेबाज ब्रैड हेडन, साउथ अफ्रीका के दागर बल्लेबाज हर्षल गिब्स, स्पिनर इमरान ताहिर, शानदार फील्डर जोंटी रॉड्स और दो ऑलराउंडर खिलाड़ी एल्बी मार्कल और उनके भाई मॉर्ने मार्कल। इनके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन, ओवेस शाह और स्पिनर मोंटी बनेसर भी इस टीम का हिस्सा होंगे। और इस टीम ने आयरलैंड के केविन ओब्रायन और जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर को भी अपनी टीम में शामिल किया है। दोस्तों आपको इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लगती है जो इस टूर्नामेंट को जीत सकेगी? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।